पेश है लंच टाइम बुलेटिन। जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए 500 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता। पूर्व मंत्री लाल सिंह को भी किया गया नजरबंद। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पहले से ही है नजरबंद। अनुच्छेद 370 पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस और पीडीपी पर साधा निशाना, कहा कश्मीर के हमदर्द आजाद तो महाराष्ट्र से लड़े थे चुनाव। अजीत डोभाल के कश्मीर के लोगों से मुलाकात वाले वीडियो पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने लगाया आरोप, कहा आप पैसा देकर किसी को भी ला सकते हैं साथ। आजाद के इस बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस। अनुच्छेद 370 पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सीजेआई रंजन गोगोई तय करेंगे तारीख। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा क्या संयुक्त राष्ट्र भारत के संवैधानिक बदलाव पर लगा सकता है रोक। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रॉल हुए रॉबर्ट वाड्रा। ट्रोलर्स से रॉबर्ट वाड्रा ने पूछा मुझसे आपको दिक्कत क्या है। आर्टिकल 370 पर बौखलाया पाकिस्तान, पाक ने दुनिया भर से मांगी मदद। अमेरिका ने कहा पहले आतंकियों का समर्थन करो बंद। उन्नाव रेप पीड़िता का दिल्ली के एम्स में इलाज जारी। पीड़िता के खून में खतरनाक बैक्टीरिया, 7 में से 6 एंटीबायोटिक बेअसर, हालत गंभीर। देश के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में एक हफ्ते में 16 लोगों की मौत। बारिश के कारण कर्नाटक के 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। आज भारत रत्न से नवाजे जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मान देने का किया गया था ऐलान। बीजेपी ने बढ़ाई सदस्यता अभियान की तारीख, अब 20 अगस्त तक चलेगी मुहिम। पहले 11 अगस्त को ही खत्म होना था सदस्यता अभियान। T20 सीरीज में वेस्टइंडीज को 3-0 से हराने के बाद अब टीम इंडिया का अगला टारगेट है वनडे सीरीज जीतना। आज वेस्टइंडीज और इंडिया के बीच खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। साउथ एक्टर प्रभास और बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म साहो का ट्रेलर 10 अगस्त को होगा रिलीज। फिल्म 30 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर की जाएगी रिलीज। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।